हेलो दोस्तों, आज मैं आपको अपना व्लॉग दिखाने जा रही, जिसमें कि मैं अपने ठाकुर जी के और अपनी राधा रानी के सर्दियों के वस्त्र रख रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने सारे वस्त्र रख लिए हैं और मैं देख रही हूँ कि कोई मिसिंग तो नहीं है, किसी की सॉक्स वगैरह। तो चलिए देखते हैं मैं इन्हें किस तरह से स्टोर करके रखूँगी। मेरे पास एक ये बॉक्स टाइप में, ये मैंने अमेज़ोन से मंगाया था शायद, तो मैं इसमें सारे सर्दियों के कपड़े रखूँगी। इसमें पैक हो जाएंगे और पैक होने के बाद इधर उधर गिरेंगे भी नहीं और अच्छे भी लगेंगे। सब कपड़े दिख जाएंगे कि क्या रखा है क्या नहीं रखा है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ रखकर। ये मैंने इसमें रख दिए हैं कपड़े और सारे फैला फैला कर रख दिए मैंने और अच्छे लग रहे हैं। तो ये मैंने इसको बंद कर दिया, अब मैं इसको स्टोर कर दूंगी। तो चलिए, हमारा ये काम तो हो गया, अब बना लेते हैं सब्जी। आज मैं बना रही हूँ घिया और आलू की सब्जी। तो ये सब मैंने ये मैं बनाऊंगी अपने ठाकुर जी के लिए। तो इसमें मैं लहसुन प्याज नहीं डालती, ऑयल डाला, उसमें जीरा डाल के सीधा टमाटर और मसाले डाल देती हूँ। ऊपर से उसमें मैंने डाल दी आलू और घिया, इसको मिक्स करके, और 4-5 सीटी लगा ली मैंने। उसके बाद सब्जी बनकर तैयार है और बहुत अच्छी सब्जी बनती है। ट्राई करें आलू के साथ, लौकी और आलू। थैंक यू।